हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि सीएम योगी के बयान पर सपा का पलटवार, पूर्व सांसद रामाकांत यादव ने कहा जिस गाड़ी पर भाजपा की झंडी समझिए उसमें देश का सबसे बड़ा पखंडी। पूर्वांचल के शेर रामाकांत यादव जी ने बोला है। ये समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हवलदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों विधायकों को देखे उनमें से कितनों पर संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। आइए आगे हम बताते हैं आपको। आजमगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा है। उनके इस बयान को लेकर जनता सियासी पारा गर्म हो गया। इस बयान को लेकर हमला बोल दी। पूर्व सांसद रामाकांत यादव का कहना है कि महंगाई की, बेरोजगारी, शिक्षा एवं व्यवस्था जैसे कि बुनियादी जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीएम योगी समाजवादी पार्टी का अनगल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि तो यह कि जिस गाड़ी पर भाजपा की झंडी लगी होती है समझिए उसमें देश का सबसे बड़ा पखंडी होता है। बीजेपी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के किए गए कार्यों का लोकार्पण किया है। कोरोना काल में मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता को छोड़कर अखिलेश के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया घूमने के सवाल पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 6 महीने में विदेश रहते हैं, जो कि इसका मतलब यह हुआ कि वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। दावा किया कि कोरोना काल में जब सरकार के प्रवासी मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, तब पैदल चलते अपने लोगों को सपा के कार्यकर्ताओं ने भोजन पानी मुहैया कराया था। उन्होंने दावा किया कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश 350 सीट से अधिक जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को देखे जिनमें उनमें से कितने पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यह बात मंगलवार के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार ने कहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विकास की एक एक ईंट पर मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव के नाम हैं। सब जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे हवाई अड्डे की योजना है। विश्वविद्यालय की घोषणा के 3 साल बाद मुख्यमंत्री ने शिलान्यास तो कर दिया लेकिन काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री बताए कि महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद की किल्लत जैसी समस्याओं पर बुलडोजर कब चलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का ये न्यूज़। फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।